गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम शंभूसारी और माय टीचर. वेलकम बैक टुडे. वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.1. उस क्वेश्चन फर्स्ट. इन द गिवन फिगर वी हैव फिगर ए बी सी डी एंड ओ ई. क्लियर? ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट वन गिवन. व्हाट गिवन सर? ई बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड, इंटरसेक्ट एट ओ. सर ई बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओ. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर? ओ पर. इट्स ओके. देन वन, एंगल ऑफ ए ओ सी प्लस एंगल ऑफ बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री. देन एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू आई थिंक 40 डिग्री. और फाइंड सर, फाइंड एंगल सी ओ ई. बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई. Angle BOE and reflex of angle COE. Reflex of COE. Two angles find करना है. एक angle BOE और एक है reflex COE. ठीक है. हम देखें कि सर अगर AB line की बात करें, AB line में अगर जाते हैं तो ये देखिए, ये पूरा एक लाइन है और लाइन पर ये लीनियर पेयर्स प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. तो दैट वन यहाँ पर क्या होगा सर? इफ ओ सी एंड ओ ई रे, जो रे होता है वो स्टैंड्स ऑन ए बी. अगर ओ सी और ओ ई जो है इस प्रॉपर्टी से अगर जाते हैं तो सर एंगल ओ ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू ये होगा सर 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, है ना सर? इसको रीअरेंज करें, एंगल ओ ए ओ सी एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. भाई ए ओ सी और बी ओ ई का वैल्यू तो हमें गिवन था सर. क्या गिवन था सर? 70 डिग्री. देन एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू होगा 180 माइनस 70. तो एंगल सी ओ ई जो मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 110 डिग्री. बट हमसे पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ, तो रिफ्लेक्स की बात करते हैं. रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई. सर 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देन बी गेट 250 डिग्री. ये आ गया आपका फर्स्ट, रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई. क्लियर? रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आ गया आपका 250. अब हमें फाइंड और करना है बी ओ डी, ये वाला एंगल. क्लियर? चलिए ये तो क्लियर हो रहा होगा यू. अब देखते हैं अब हम देखिए कि सर बात करते हैं सर एंगल सी डी इज अ लाइन एंड ओ ई एंड ओ बी आर रेज. देन एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. और अभी हमने सी ओ ई का वैल्यू फाइंड किया था, तो ये सी ओ ई का वैल्यू हमें मिला था. कितना मिला था सर? सी ओ ई का वैल्यू हमें मिला था 110 डिग्री.
प्लस BOE का वैल्यू कितना था? सर BOE तो फाइंड करना है ना, BOE तो फाइंड करना है। BOD का वैल्यू है 40 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, ये हो गया माइनस 150 डिग्री, ठीक है। ये 150 डिग्री हो गया, देन वी गेट एंगल BOE इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 30। अब कंडीशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए कि भैया ये 30 है क्या, BOE ये 30 है, सॉरी COE तो कितना है आपका 110 है, ये 110 हो गया और ये 30 और ये 40, तो देखो 180 हो रहा है ना, तो 180 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको वही एंगल्स प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि हम कौन कौन सा प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं और कैसे उन्हें इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।